कोटेदार की मनमानी से ग्रामीण परेशान। सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर गरीबों को फ्री गेहूं चावल और चना दे रही थी, जिससे गरीब भूखे ना रहे। वहीं कौशाम्बी जिले में कोटेदारों ने गरीब लोगों से फिंगर लगवा कर घर वापस भेज दिया करते और कहते कि मशीन काम नहीं कर रही है, और दूसरे पूरे महीने का राशन ब्लैक में कोटेदार राशन बेच देते हैं। कोटेदार की दबंगई से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है राशन। सिराथू तहसील के फराहिमपुर कालेश्वर मऊ कड़ा का कोटेदार धर्मेंद्र कुमार दबंगई से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 5 तारीख से 14 तारीख तक राशन वितरण किया जाता है। हम लोग समय से राशन के लिए दुकान पर जाते हैं तो अक्सर बंद रहती है, और कभी दुकान खुली मिली तो फिंगर लग जाता है और घर वापस भेज दिया जाता है, और कहते हैं कल आना, और जब दूसरे दिन जाते हैं तो कहते हैं कि राशन बट गया। इटौला महिला का कहना है कि हमसे फिंगर लगवा लिया और फिर बाद में बुलाया, जब बाद में गए तो हमें ना ही चावल दिया और ना ही चना दिया। अब की बार हमको गल्ला नहीं मिला, ना चना मिला ना चावल मिला। फिंगर लगाई है? हाँ, फिंगर भी लगा है। उसके बाद गई थी? उसके बाद क्या गई थी तो बोले हमको चना ही दे दो, जब चावल नहीं है बोले जब आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? इटौला। राशन नहीं देते, कहते बाद में आना लगे। दोबारा राशन लेने गई थी? नहीं, अभी तो बता नहीं दुकान पे। नहीं, उसके बाद जैसे फिंगर लगवाया उसके बाद नहीं दिए? नहीं दिए। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ अपना नाम। राज के लिए नाम बुद्धिक के राशन कार्ड उद्धिन के नाम से है ना। हमारा नाम किरण सर। जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका क्या नाम है? राज के लिए। बोले बाद में जो आगे तब मिल जाएगा। कब फिंगर लगवाया? फिंगर लगवाया कम से कम 15-16 दिन हो गए। राशन क्यों नहीं लिया? राशन कब लेने गए थे? खत्म हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? धन प्रकाश सर। और कहा जब बाद में आएगा तो मिलेगा। कोटेदार की इस कार्यशैली से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कोटेदार की शिकायत उपजिलाधिकारी राजेश श्रीवास्तव से की तो उपजिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कोटेदार की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। अभी आप लोगों के द्वारा ही जो है ये संज्ञान में लाया गया और प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है। मैं इस क्रम में जो जांच के लिए जो है हमारे एरिया राशन अफसर हैं उनको मैं दे रहा हूँ, और सच्चाई आने को जो है कड़ी कर रहा हूँ।